नमस्कार साथियों, निर्माणवाद के संसार में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ सीडीपी 5 का पंच, जिसमें हम देखेंगे बेहतरीन 5 प्रश्न और उनके ऊपर हम विकसित करने की कोशिश करेंगे सीडीपी के क्वेश्चंस के लिए अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन को। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स असेसमेंट एज लर्निंग एक्सेप्ट। यहां पे बात हो रही है किसकी, असेसमेंट एज लर्निंग की, सीखने के रूप में आकलन की। यानी यहां पे हम सेल्फ जो हमारा असेसमेंट है हम उसको देख रहे हैं, हम यहां पर अपना जो एक आत्म आकलन होता है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, जिसको हमने सेल्फ असेसमेंट के रूप में देखना है। तो असेसमेंट एज लर्निंग जो हमारे 4 पैराडाइम्स हैं, जो हमारी 4 विचारधाराएं हैं उसमें है, जो कि हम देखते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग अधिगम का आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन, और फिर असेसमेंट इन लर्निंग अधिगम में आकलन, और फिर लास्टली जो हम देखेंगे असेसमेंट एज लर्निंग सीखने के रूप में आकलन को हम देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें टेस्टिंग स्टूडेंट्स, लगातार परीक्षण करना, तो परीक्षण करना गलत है, क्योंकि अगर हम लगातार परीक्षण कर रहे हैं तो परीक्षण करना हमें क्या देता है, ये हमें देता है सबमिटिव असेसमेंट। जब हम परीक्षण की बात करते हैं तो परीक्षण हमें क्या देता है, परीक्षण हमें देता है सबमिटिव असेसमेंट। ये हमें एसे देता है, ये योगात्मक आकलन है, जो कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। तो एक्सेप्ट ही पूछा गया था, यहां पूछा ही गया था एक्सेप्ट के अतिरिक्त पूछा गया था, तो उत्तर इसीलिए पहला हो गया, क्योंकि ये अधिगम का आकलन हमें बताता है, ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में बता रहा है। बाकी सब देखें तो बाकी सब हमारे ठीक है। असेसमेंट एज लर्निंग के ऊपर हम बात करें, इंटरनल फीडबैक है, ये आंतरिक पृष्ठपोषण देता है, टेक चांसेस, बच्चे अपने लिए अवसर लेने के लिए एक सुरक्षित वातावरण देगा, रिफ्लेक्ट ऑन द टॉपिक, बच्चे मनन कर सकते हैं विषय के ऊपर जो विषय उनको पढ़ाया गया। तो बाकी तीनों कथन हमें ठीक देखने को मिलते हैं, जो कि असेसमेंट एज लर्निंग से यानी सेल्फ असेसमेंट से जुड़े हुए हैं, तो उत्तर यहां पहला होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। When cook tastes a food during cooking, एक बावर्ची खाना पकाते समय, तो यहां पर जब हम ड्यूरिंग की बात करते हैं, ड्यूरिंग प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान अगर आकलन होता है तो यह होता है, इसे कहते हैं हम फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसे हम रूपात्मक आकलन कहते हैं या रचनात्मक आकलन कहते हैं। और ये कौन सा होता है, इसी को एफए टर्म नाम दिया जाता है, और ये होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये सीखने के लिए आकलन को कहा जाता है। जो सीखने के लिए आकलन है वो एक फॉर्मेटिव असेसमेंट है, वो ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है, जब वो प्रक्रिया की जा रही होती है उसके दौरान हमें वो आकलन होता हुआ दिखता है। तो यहां पे उत्तर तीसरा रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, अंतरपरक अनुदेशन, या इसके लिए एक और शब्दावली यूज की जाती है, इसके लिए एक और शब्दावली यूज की जाती है, विभेदीकृत अनुदेशन। विभेदीकृत अनुदेशन कहा जाता है। तो जब हम बच्चों के लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस बेस्ड देते हैं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कैसा होता है हमारे पास, ये होता है बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये व्यक्तिक भिन्नताओं पर आधारित होता है।
व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर देखें, यूजिंग ग्रुप्स दैट नेवर चेंज, तो ये हमें बोध नहीं देता है. वेराइटी ऑफ ग्रुपिंग्स टू मीट स्टूडेंट नीड्स, तो ग्रुपिंग्स कर रहे हैं हम, तो ग्रुपिंग्स में हमारे पास हमें बहुत अच्छा नहीं दिखता. डूइंग समथिंग, हम आवश्यकताओं को पूर्ता करने के लिए समूहीकरण के विविध रूप लेंगे, तो समूहीकरण एक बहुत अच्छा विकल्प नहीं देखता. और जो कभी नहीं बदलते तो बदलेंगे नहीं, तो हमें डिफ्रेंशिएशन देखने को नहीं मिलेगा. डूइंग समथिंग डिफरेंट फॉर एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, तो ये बिल्कुल ठीक है. जब हम प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी व्यक्तिगत भिन्नता के हिसाब से अलग अलग चीजें देते हैं तो इसे हम डिफरेंशिएटेड लर्निंग कहते हैं, इसे हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहते हैं. इसी के लिए जब आकलन करेंगे तो उसे डिफरेंशिएटेड इवेल्युएशन करेंगे. ये विभेदीकृत अधिगम है, विभेदीकृत हमारे अनुदेशन है, और विभेदीकृत आकलन इसमें होगा. और लास्टली देखते हैं हम, लास्ट लाइन है, डिसऑर्डरली और अनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट एक्टिविटी, ये भी हमारे पास, ये तो साफ साफ गलत है. अव्यवस्थित तथा स्वच्छंद विद्यार्थी गतिविधियां, यहाँ पर हम अनडिसिप्लिन्ड या स्वच्छंद की बात नहीं करेंगे, व्यवस्था बनाएंगे, लेकिन व्यवस्था व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर. तो उत्तर यहां तीसरा देखने को मिलेगा. चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं. In culturally and linguistically diverse classroom, before deciding whether a student comes under special education category, a teacher should. यहाँ पे हमें दे रखा है culturally and linguistically diverse classroom, before deciding whether a student comes under special education category. सांस्कृतिक तथा भाषाई रूप से विविधपूर्ण कक्षा में, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में है. अब स्पेशल एजुकेशन कैटेगरी कब होगी, हम कब देखते होंगे स्पेशल एजुकेशन कैटेगरी, जब बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा. बच्चा जो है, लर्निंग इंडिकेटर्स हैं जो अधिगम के हमारे प्रतिफल होते हैं, उसमें बच्चा पिछड़ा दिखता है. अब लर्निंग इंडिकेटर्स जो है अधिगम के प्रतिफल है, लर्निंग आउटकम्स है, उसमें बच्चा पिछड़ा दिख रहा है, उसमें बच्चा लैग कर रहा है. अब यहां पूछा गया है कि अगर ये क्लास में बच्चा कल्चरली और लिंग्विस्टिकली डिफरेंट है, अगर बच्चा सांस्कृतिक तौर पर और भाषाई तौर पर अलग है, तो हमें क्या विशिष्ट करना है. कभी ऐसा तो नहीं कि बच्चे की भाषा के कारण, बच्चे की संस्कृति के कारण वो पिछड़ा हो गया है. यानी हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो हमारी बहुसंख्यक भाषा है. वी आर यूजिंग द प्लुरलिस्टिक लैंग्वेज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज दैट इज फॉर द माइनॉरिटी. और तब हो सकता है कि बच्चे में समस्या हो. तो हम देखें पहला कथन इसमें क्या दिया गया है, सेग्रीगेट द चाइल्ड, वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देंगे, तो हमें बच्चे को अलग कभी भी नहीं करना है, इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता. नॉट इन्वॉल्व पेरेंट्स, माता पिता को सम्मिलित नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत. माता पिता को भी सम्मिलित किया जाएगा जब बच्चा परफॉर्म नहीं करा जाएगा. इवेल्युएट स्टूडेंट इन हिज और मदर टंग टू एस्टैब्लिश डिसेबिलिटी, अक्षमता स्थापित करने के लिए पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा में उसका मूल्यांकन किया जाए, ताकि कभी यह भी पता चल जाए कि कभी मातृभाषा के कारण तो बच्चा पिछड़ा नहीं आया. तो यहां पर साफ साफ हमें ये उत्तर देखने को मिलता है. एंड यूज स्पेशलाइज साइकोलॉजिस्ट, पारंगत मनोविज्ञानिकों का उपयोग, तो ये भी हम कर सकते हैं, ये भी कथन हमारे पास ठीक है. लेकिन पूछा क्या गया, पूछा गया है बिफोर डिसाइडिंग, हम तय करें और हम मनोविज्ञानिक को दें, उससे पहले हमें बच्चे का उसकी मातृभाषा में जांच कर लेनी चाहिए, मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि बच्चे के अंदर कोई मातृभाषा के कारण तो समस्या नहीं आ रही, बच्चे के अंदर डिसेबिलिटी नहीं है, लेकिन मातृभाषा में बच्चे की शिक्षा नहीं हो रही, तो इसके कारण हो सकता है बच्चा पिछड़ा दिख रहा हो. तो उत्तर यहां तीसरा रहेगा. चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं. लर्निंग डिसेबिलिटीज मे अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यहां पर एक्सेप्ट पूछा गया, किसको छोड़कर, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी कारण के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है. तो देखिए मेनिनजाइटिस इससे हो सकती है, सेशवा काल के दौरान अगर दिमागी बुखार हो तो हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन इससे भी हो सकती है, मंदबुद्धिता के कारण हो सकती है, प्रीनेटल यूज ऑफ एल्कोहल, माँ अगर मदिरा सेवन करे तो भी हमें देखने को मिलता है, और टीचर वे ऑफ टीचिंग, शिक्षा के शिक्षण शैली से हमें अधिगम निर्योगिता नहीं दिखाई देगी, अधिगम अक्षमता नहीं दिखाई देगी. तो उत्तर हमें यही दिखाई देगा, उत्तर यहां पर हो गया दूसरा, शिक्षक की शिक्षण शैली से अधिगम निर्योगिता उत्पन्न नहीं होती. लर्निंग डिसेबिलिटी कैन नॉट अकर ड्यू टू वे ऑफ टीचिंग, स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग और स्टाइल ऑफ टीचिंग. तो यहां पे उत्तर दूसरा
रहेगा। तो साथियों ये था आज का पांच का पंच। उम्मीद करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आए होंगे और आपकी क्षमता बढ़ाने में आपकी सहायता करेंगे। जितने साथी हमें देख रहे थे उन सभी का धन्यवाद। आप सभी से अपेक्षा रहेगी कि आप सभी निर्माणवाद का प्रचार और प्रसार करें ताकि शिक्षा को आनंददायी बनाया जा सके। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।